कैसे हो तुम? एकदम फर्स्ट क्लास भाई। अरे कल तुम दोनों मिले नहीं थे क्या? कल? ओ हाँ। वैसे योना अभी तक क्यों नहीं आई? योना? वो यहाँ आ रही है? हाँ, तुम तो हमेशा कैंपस में उससे मिलते रहते हो, हमें तो उससे मिले काफी समय हो चुका नहीं है। मैं रोज उससे नहीं मिलता हूँ, और मुझे लगा हम लोग केवल आज मिलने वाले हैं। वो कौन है? क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? अब ये पागल यहाँ क्या कर रही है? मुझे उसे कभी कहने का मौका नहीं मिला कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मिन हूँ। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं और योना? मेरी मॉम भी तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने कहा लोग शहर में काफी अफवाह फैला रहे हैं। क्या? कैसी अफवाह? योना, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं। अब लो ये तुम पकड़ो, इससे मुझे उलझन हो रही है। मुझे लगता है वो लड़का अच्छा था। शुरुआत में तो सभी होते हैं। तुम मुझे देखकर हमेशा बहस क्यों करने लगते हो? तुम हम लड़कों का गेट टुगेदर क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें बुलाया किसने? क्या? लो फिर से शुरू हो गए, ये हमेशा मिलने पर लड़ते क्यों रहते हैं? अब हमारे मीनों के भी अपने उसूल हैं, वो शुरू से आखिर तक एक बुरा इंसान है। सही। ज्यादा बुरे इंसान उतना पॉपुलर नहीं होते। वैसे कुछ भी परेशानी हो तो मैं शौक से सुनना चाहूंगा। मैं ट्रेंड वेंड फॉलो नहीं करता, मुझे सूट नहीं करेगा अगर मैं वही करूं जो सब करते हैं। हाँ, मीनो को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था योना में जब वो स्कूल में पॉपुलर थी। तो तुम लोग रिलेशनशिप में कब आ रहे हो? क्या मुझे उसके साथ बाहर जाना चाहिए? जो करना है करो, वैसे भी कोई चोमू ही तुम जैसी लड़की को पटाएगा। तुम गलत हो, वो काफी टॉल और गुड लुकिंग है, ये देखो। ओह, ये तो सच में अच्छा दिखता है। पर मुझे ऐसा लगता है ये काफी हद तक मीनो जैसा है। नहीं, पागल हो क्या? रुको 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 रुको, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इससे कंपेयर करने की? ये तो चपड़ गंजू लगता है। अरे तुम उसे इस तरह से क्यों कह रहे हो? वो हमसे काफी बड़ा है। सच में? बड़ी उम्र वाले के साथ खुश रहोगे तुम? हाँ, मैं इसके साथ खुश रहूंगी। ये ग्रेजुएट होने के बाद अब्रॉड भी जाने वाला है। उसने बाहर चलने के लिए बुलाया भी है। तो फिर? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब क्या? तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है क्या? क्या? मैं लेडीज रूम जा रही हूँ। मत जाओ। क्या? जाने से पहले कुछ खा लो। कहाँ? जो कोई भी जगह है। नहीं, मैं लेडीज रूम जा रही हूँ। हर पल तुझको चाहूँ, बस मैं, बस मैं तेरा होना ही चाहूँ, बस मैं, बस मैं तुझे पालूंगा खो के। बेवकूफ। अच्छा हुआ, ज्यादा शर्माई नहीं मैं। हम दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी, पर अभी भी ये उतना आसान नहीं था। मैं वो सारी बुक्स ले रहा हूँ जो मुझे प्रेजेंट करनी है, तो लेट मत होना।
मैं कोशिश करता हूँ कि इन नजदीकियों में डर की वजह से कोई मेरे दिल की धड़कने ना सुन ले। हेलो, हाँ मैं ग्रुप लीडर के नाते कुछ भी करूंगा। हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, अभी मैं अपने पार्ट टाइम जॉब में थोड़ा बिजी। नहीं ठीक है, तुम्हें आज ग्रुप मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं। सच में? फिकर मत करो, तुम अपना पार्ट टाइम जॉब संभालो। ओके। देरी के लिए माफी चाहूंगी, बाकी लोग कहाँ? यही ग्रुप मीटिंग की सच्चाई है। क्या हमारे सिवा और कोई नहीं आया? वाल, तुम भी जल्दी जा सकते हो अगर बहुत बिजी हो तो। वाह, तुमने सब तैयार कर लिया। हाँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उनके लिए नाश्ता भी बनाया है। गुस्सेल में हो, अब बदल गया है। hey, बस करो, चलो काम पर लगते हैं। अब रात भर यहाँ नहीं रुकना है, बैठो। यही ग्रुप मीटिंग की सच्चाई है। तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो गया मैं तेरा, रातों को न सोया, जब से तुझे देखा हर पल तुझको चाहूं, बस मैं तेरा होना ही चाहूं, बस मैं। ओह, काम खत्म हो गया। हाँ, पर दरवाजा बंद हो चुका है। क्या सच में? अब तुम क्या करोगे? बुरा हुआ कि दरवाजा बंद हो गया, तो फिर मूवी देखना चाहोगी तुम? मूवी? ठीक है। ये तेरा लेके उड़ता हूँ मैं फिर से, सांसों में तुम्हें हर पल तुझको चाहूँ, बस मैं, बस मैं। होगा ना दूजा कभी, wasted on me। तुझको चाहूं, बस मैं, बस मैं, तेरा होना ही चाहूं, बस मैं, बस मैं, तुझे पालूंगा खोके, you man, you man।
झपटी क्यों ले रही है? वो भी ऐसे डरावने स्टडी रूम में? बस कर ले तू मेरा यकीन, मेरे जैसा होगा ना दूजा कभी। Wasted on me, तुझको चाहूँ बस मैं, बस मैं, तेरा होना ही चाहूँ बस मैं, बस मैं, तुझे पालूँगा खो के you are.